हेलो एवरीवन आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार विद भास्कर तो मैं आज आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि कॉटन यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया है जहां पे आपका पीएचडी एडमिशन रिलेटेड है ओके okay? तो देखिए न्यू पीएचडी एडमिशन के लिए अभी फॉर्म फिलप स्टार्ट होने वाला है तो आपका क्वालिफिकेशन क्या है किस किस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकेंगे और लास्ट डेट क्या है ये सारा डिटेल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा तो वीडियो अंत तक देखिए तो आपको सारा डिटेल्स मालूम पड़ जाएगा देखिए कॉटन यूनिवर्सिटी जो कि आसाम का एक स्टेट यूनिवर्सिटी है वहाँ से आपका नोटिफिकेशन आया है जो कि आपका पीएचडी एडमिशन रिलेटेड है तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यहाँ नोटिस दिया गया है जो कि आपका पीएचडी रिलेटेड ये जो ऑफिशियल साइट है ओके पी एच डी तो यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे यहाँ पे नोटिस आएगा ओके okay? तो यहाँ पे देखिए नोटिस तो यहाँ पे देख सकते हैं नोटिस डाउनलोड हो रहा है ओके okay? तो देखिए नोटिस जो कि मैं डाउनलोड पर दे दिया हूँ तो नोटिस डाउनलोड हो चुका है तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो ट्वेंटी टू तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि एडमिशन इन पी एच डी ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ओके नोट्स में लिखा है देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू पी एच डी प्रोग्राम ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी ट्वेंटी टू इन कॉटन यूनिवर्सिटी एज पर द पी एच डी रूल्स एंड रेगुलेशन जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन है और मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ एम फिल्ड पी एच डी डिग्री इन द फॉलोइन डिपार्टमेंट डिसिप्लिन तो यहाँ पे देखिए पी के लिए देखिए इकोनॉमिक कौन कौन से जो कि सीट्स कितने कितने हैं तो देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स में देखिए ह्यूमन ह्यूमन साइंस एंड उसके बाद एजुकेशन में है हिस्ट्री सोशोलॉजी जियोग्राफ़ी जियोलॉजी असामिस में पांच सीट है बंगाली बोडो हिंदी पर्शियन बोटनी एम उसके बाद आपका केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा जो कंप्यूटर साइंस केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा है फिफ्टीन ओके यहाँ पर केमिस्ट्री में देखिए फिफ्टीन उसके बाद कंप्यूटर साइंस और फिज़िक्स स्टेटिस्टिक्स ये सारे कोर्सेज में और एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है मास्टर्स डिग्री होना चाहिए यू जी सी रिकॉग्नाइज फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स होना चाहिए फाइव परसेंट जो कि एस सी एस टी ओ बी सी के लिए यहाँ पे देखिए आपको एग्जामेशन दिया गया है और आपका प्रोसेस क्या होगा वाईल डिटर्मािंग द एलिजिबिलिटी ऑफ ए कैंडिडेट सब्ज कंडीशन ग्रेस मार्क पॉइंट्स अवार्डेड टू द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा रिटर्न टेस्ट एंट्रेंस टेस्ट होगा एक रिटर्न टेस्ट आपको देना पड़ेगा उसके बाद भाईबा होगा और आपका हेल्थ सेपरेटली फॉर ईज डिपार्टमेंट डिसिप्लिन द मिनिम क्वालिफाइंग मार्क्स इन एंट्रेंस टेस्ट इज फिफ्टी परसेंट जो कि फिफ्टी परसेंट आपको मिलना ही चाहिए ओके मिनिमम मार्क्स उसके बाद द मिनिमम क्वालिफिकेशन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द कैटेगरीज फोर्टी फाइव परसेंट फॉर फाइनल सिलेक्शन फोर्टी फाइव परसेंट चाहिए आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए ओके okay? और भी देखिए आपका जो क्वालिफिकेशन है वो चाहिए द यूनिवर्सिटी रिजर्व द ओपिनियन टू कॉल एप्लीकेंट्स विथ नेशनल लेवल स्कॉलरशिप सात आपका जो नेशनल लेवल जो स्कॉलरशिप वो भी आपको मिल सकता है ओके okay? अगर आपका रिटेन में टेस्ट अच्छा हुआ तो नेट स्लेट भी आपको चाहिए अगर नेट स्लेट अगर होगा तो आपको आपको प्रिफरेंस मिलेगा थोड़ा उसके बाद नंबर ऑफ़ सीट्स अवेलेबल डिपार्टमेंट डिसिप्लिन परमिशिबल लिमिट्स ऑफ रिसर्च स्कॉलर दैट कैन बी असाइन टू तो गाइड और द पैरामीटर्स ड्यू डेट ऑफ भाई बॉक द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू फील एनी वेकेंट सीटिडेट आर नॉट फाउंड अगर आपको अगर आप भाई भाग के टाइम आप वहाँ आप पर प्रेजेंट नहीं रहते हैं तो यूनिवर्सिटी के पास अथॉरिटी रहेगा कि वो कोई भी कैंडिडेट को वहाँ पर सिलेक्ट कर सकता है ओके तो यहाँ पर देखिए क्लास जो कि डिपार्टमेंट में होगा आपका अटेंडेंस सेवेंटी फाइव परसेंट चाहिए और आपका एप्लीकेशन फ़ी कितना है तो देखिए टू टूल्व हंड्रेड रुपीज़ यहाँ पर दिया गया है ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज़ आपका एडमिशन फी है और लास्ट डेट क्या है फ़ीस का सिक्स है लास्ट डेट सबमिशन एप्लीकेशन सेवन फ़रवरी है और आपका डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी वन है ओके okay? टेंटेटिव है तो ये था नोटिस थैंक यू फॉर वॉचिंग ऐसे में ऐसा आपको इंफॉर्मेटिव प्रोवाइड करता रहता हूँ थैंक यू